पेंशन के लिए धक्के खाते, चक्कर काटते कितने दिन हो गए? ढाई साल हो गए भाई। ढाई साल। क्या नाम है अपना? ओमपति। आपका? ओम प्रकाश। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी तो 73 साल होगी। इनका 73 साल है, आपकी कितनी होगी? 69 साल। मतलब आप समझ सको कि 60 साल क्या की जिसकी पेंशन बननी थी, इनकी पेंशन बनी 2013 में ओमपति की। 2013 में पेंशन बनाई डॉक्टरा ने, जो उस टाइम पर बना रही डॉक्टर ने बना दी, आपने हिसाब लग के भैया इनकी एज है, तो डॉक्टर ने एज इनकी 60 मानी और पेंशन बन गई। अब जब वह पेंशन बन गई तो 2019 में ये कह के पेंशन काट दी गई कि आपकी तो जो पेंशन है गलत बन गई थी। आपकी पेंशन गलत बन गई थी 2013 में नहीं, आपकी 60 साल उम्र होनी चाहिए थी 2014 में, मतलब करीब 1.5 साल का जो भी है अंतर है, 1.5 साल का अंतर है। और ये 2019 में जब पेंशन काटी है तो ये करीब ये मान लो 4 साल हो गए होंगे, 4-5 साल हो गए। दुख की बात यह है कि इनका जो बेटा था वो फौज में था, उनकी मृत्यु हो गई थी ड्यूटी के दौरान। अब इनको खर्च चलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, एक इसकी पेंशन है। ये इतने दिन से मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जिनकी बेशर्मी की हद है, इनको ये शर्म नहीं आती कि यार ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनको क्यों चक्कर कटवा रहे हो? तुम किस लिए चक्कर कटवा रहे हो? थोड़ी बहुत शर्म आओ, तुम डूब के मरो या कीड़े पड़ के मरोगे, ध्यान रख लेना। बड़े बुजुर्गों को परेशान करोगे तो कीड़े पर क्या मरोगे? और अब ये जब जा रहे हैं चक्कर काट रहे हैं तो कह रहे हैं अब तो चुनाव आ गया, चुनाव के बाद आइयो। तो मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, इसका मतलब 2 महीने तक चुनाव चलेगा तो इसका मतलब कोई सरकारी काम नहीं होगा, सब धक्के खाते रहेंगे क्या? किसने ऑर्डर कर रखा है इस बात का? रो मत आंटी, रो मत, कोई बात ना। किसने ये सर्कुलर जारी कर रखा है अब चुनाव रहेगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं बनेगी, कोई बुढ़ाई पेंशन नहीं बनेगी? तो रोहतक डीसी साहब, आप लोगों को हम बता रहे हैं, आज तो शनिवार है, सोमवार को ये आएंगे, सोमवार ना तो मंगल का 2 दिन का टाइम ले लो। नाम है ओमपति। आपका नाम? ओमपति। और ये कहा जा रहा है बोला पीछे के 50 रुपये दे दो, बोला आप फिर बनेगी। मतलब 2019 तक के कह रहे हैं कि पैसे दो पहले, क्या ये पैसे दे रहे हैं? डॉक्टर सरकारी, डॉक्यूमेंट जो गलत कर रखे हैं ये सरकारी लोगों ने कर रखे, ये जिम्मेदार कैसे? अगर इनकी मान भी लगी 2014 में बननी थी, अरे 1.5 साल के रुपये काट के बाकी दो इनके। अगर इनकी टोटल जोड़ी जाए करीब 1.5 लाख रुपये पेंशन बनती है, 1.5 लाख रुपये पेंशन दे दियो, कदे नहीं सोचो खा जाओगे, 1 रुपया नहीं छोड़ा जाएगा, 1 रुपया ध्यान रख लियो।